हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइज, अभी दोपहर का समय है और दोपहर के समय में हम लोग जा रहे हैं गोंडा में, बाबा जय गुरुदेव आश्रम में। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग इस आश्रम में आए होंगे, यहाँ साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। तो गाइज, अब मैंने सोचा है कि हर संडे को मैं इस आश्रम में ज़रूर आऊँगी, यहाँ सत्संग भजन और फिर सारी चीज़ होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सप्ताह में एक दिन तो संत के दरबार में जाना ही चाहिए, इससे मन की शुद्धि होती है और हमारा रियल कर्तव्य क्या है, हमें रियल में क्या करनी है, इन सब चीज़ों की सीख मिलती है। और जैसे जैसे मान लीजिए कि हम अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग भगवान से दूर होने लगते हैं, तो अगर आप हफ्ते भर में ही इस स्थान पर पहुँचते हैं, वहाँ सत्संग सुनते हैं, तो फिर इससे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं जो भगवान और शिष्य के बीच में होती है, भक्त और भगवान के बीच में जो होता है। और यहाँ जो है वो अपना जो जय बाबा जय गुरुदेव के ही भक्त हैं, तो वो सत्संग सुना रहे थे, क्योंकि इतने सारे आश्रम हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बाबा जय गुरुदेव के आश्रम है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में भगवान एक समय में तो पहुँच नहीं सकते हैं। तो हर सप्ताह यहाँ कार्यक्रम होता है, आप लोग भी आ सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर हम लोग सत्संग या इधर स्टार्ट हो गया था और इधर खाना भी बन रहा था। तो गाइस, जब आप संत के दरबार में जाओ तो आपको कोई भी कुछ भी सेवा का अवसर मिले तो उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं तो अकेले कोई कैसे करेगा। फिर हम लोग मिल करके यहाँ पूरी पूड़ियाँ बिलवाई, और इधर देखिए गोलू भी लोई बना रहा है, गोलू भी पूरे टाइम बहुत ही अच्छे से प्रतिभाग किया है, यहाँ गोलू लोई भी बनाता है और ले जा करके उनके पास देता है, देता भी है पूड़ी बनने के लिए। और यहाँ सत्संगी सत्संग दे रहे थे और हम लोग आराम से सुन रहे थे, तो एक डेढ़ घंटे बैठना पड़ा, तो मतलब मन तो थोड़ा ऊब रहा था, इसलिए मैं इस तरह अपना सर कर ली थी। तो गाइस, मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे रियली में अच्छा लगा। और ये सारी चीज़ें देख करके आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फाइनली सत्संग समाप्त हो गया है और अब आ गया है भोजन लेने की बारी। यहाँ फाइनली हम महाराज जी के सत्संग में शामिल हो चुके हैं, पूर्णतया और फ्री भी हो चुके हैं, अब निकलने वाले हैं यहाँ से अपने। यहाँ गोलू भी है और बाकी लोग आ रहे हैं। तो गाइस, मन को बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली यहाँ आकर के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब गोलू खींचेंगे मेरा एक फ़ोटो। तो गाइस, फाइनली अब हम अपने रूम पर आ गए हैं। और तो मतलब वहाँ सत्संग में जाकर ना मतलब हम लोग थे और जितना हो सका उतना सेवा, और जैसे मतलब जो भी हमसे हो सका वहाँ सेवा करना, जैसे कि पूड़ी बेलना और खाना खिलाना। गोलू तो आपने देखा बहुत देर तक काम किया है, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे कोई भी कार्य हो जो बच्चे बचपन से करते हैं तो जब बड़े होते तो उनको शर्म नहीं आती है, और जो काम आप बचपन में नहीं कराओगे बड़े होकर बच्चा नहीं कर सकता है, फिर आप प्रेशर देते हो मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है, तो ये हर पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए। तो गाइस, कल मैंने देखा था हम और गोलू मिल करके श्री कृष्ण का सीरियल। तो गाइस, उसमें क्या हुआ ना कि हम लोग बहुत लेट में सोए थे, इस वजह से मेरा सर दर्द बहुत से दर्द हो रहा है, मतलब बहुत कम सोए थे, दिन भर भी नहीं थे कि सो ले, तो अभी तो मुझे बहुत। यहाँ गोलू भी आ गए, भूख लगी है, क्या लगी? गोलू तो अपना खाने में जुटा हुआ है। तो चलिए गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मिलते हैं, बाय बाय गाइस। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वैसे बहुत तेज नहीं बोल सकते क्योंकि सर दर्द बहुत ही तेज हो रहा है, और अब दीपक उपक जलाने का टाइम हो रहा है क्योंकि बिल्कुल इवनिंग है, गौधली का टाइम है। तो गाइस, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि देखिए, पूरा टाइम आप अपने लिए ही करते हो तो सुबह शाम भगवान के लिए टाइम देना चाहिए, जितना टाइम हो सके मॉर्निंग में, जितना टाइम हो सके इस टाइम गौधली के टाइम। तो चलिए गाइस, अब मैं दीपक को जलाती हूँ और इस व्लॉग को करती हूँ एंड। बाय बाय गाइस।